एक मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने पर कैरेक्टर्स हैं और फिर कहीं जाकर मूवी की स्टोरी आती है जो कि यकीनन अच्छी होनी चाहिए। अब अगर किसी मूवी में कोई कैरेक्टर बहुत ही ओपी आ गया है जिसे हम सिग्मा मेल कहते हैं तो हमारा सारा ध्यान मूवी की स्टोरी से हटकर उस एक कैरेक्टर पर फोकस हो जाता है। आज की इस लिस्ट में हमने 8 ऐसे हार्डेस्ट डिफरेंट अलग अलग मूवीज में देखने को मिलेंगे, तो अभी के लिए आप जैन की सुनो। नंबर 8 पर है जेसन स्टैथम और मैं इसके द ट्रांसपोर्टर मूवी सीरीज के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, इन्हें किस तरह फॉलो करना है और इन्हें फॉलो करते हुए किस तरह अपने काम पर फोकस रखना है, इस चीज को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है ये बंदा। एक बार जो डील होगी उस पर कायम रहना है, उसमें कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी और सिर्फ अपने काम अपने वर्क पर ध्यान देना है। और अगर इस दौरान कोई आपके काम में पंगा डाले तो उसे मसल देना है, हड्डियां तोड़ देनी है उसकी। ये सब क्वालिटीज एक सिग्मा की होती है, मगर नंबर 8 पर रखा है तो आगे चलकर अभी इससे भी ज्यादा हैवी कैरेक्टर्स आने वाले हैं। नंबर 7 पर है थॉमस शेल्बी, इन्हें हार्डेस्ट सिग्मा मेल के बजाय डेडली सिग्मा मेल कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे को नंबर 7 पर रखा है जबकि ये इससे ज्यादा डिजर्व करता है, तो नहीं। आगे वीडियो में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आने वाले हैं जिनका एटीट्यूड ओ माय गॉड और उनकी ग्रेस और पर्सनैलिटी वाह। खैर अगर थॉमस शेल्बी की बात करें तो ये भी एकदम यूनिक कैरेक्टर है, खास तौर पर इस कैरेक्टर के साथ सिलियन मर्फी ने जो इंसाफ किया है, भाई साहब कमाल। थॉमस शेल्बी जस्ट एक इमेजिनरी कैरेक्टर था, अगर उसमें किसी ने जान डाली है, किसी ने उसका लेवल यहाँ तक पहुँचाया है तो वो सिलियन मर्फी है। पर भाई साहब कमाल कर दिया, आज तक जितने भी एक्टर्स ने बैटमैन का रोल प्ले किया है इनमें सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे रॉबर्ट पैटिंसन लगे हैं, इंसाफ किया है इन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटमैन की जितनी भी मूवीज बनी है उन सब में बैटमैन को एक सिग्मा मेल ही दिखाया गया है। एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक सिग्मा मेल होना ये सुनने में जितने ज्यादा ओपी लगता है उससे कई ज्यादा औसम है। फर्स्ट टाइम जब ये न्यूज सुनने को मिली थी कि बैटमैन की अपकमिंग मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन लीड रोल कर रहे हैं तो मुझे मिलाकर कई लोगों का कहना ये था कि इनसे ना हो पाएगा, मगर भाई साहब इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मगर भाई साहब एकदम से जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, मेरी सोच ही बदल कर रख दी इस बंदे ने। तेरी बॉडी के भी सब पार्ट्स निकालूंगा। नंबर 5 पर कैरेक्टर एक मगर परफॉर्म करने वाले दो अलग अलग कंट्रीज के दो अलग अलग एक्टर्स मैन फ्रॉम नोवेयर और रॉकी हैंडसम से जॉन इब्राहिम। मगर मैंने इस लिस्ट में रॉकी हैंडसम को शामिल किया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे किसी मूवी का कॉपीड वर्जन इसके ओरिजिनल वर्जन से भी ज्यादा पसंद आया। खैर कैरेक्टर की बात करें तो एकदम डेडलीस्ट सिग्मा मेल देखने को मिलता है, एकदम शांत और क्वाइट रहने वाला ये बंदा जब एक्शन में आता है तो एक अलग ही पर्सनैलिटी होता है। अगेन जॉन इब्राहिम ने इंसाफ किया है इस कैरेक्टर के साथ, ये उन कैरेक्टर्स में से है जो 50 बंदों की 50 अलग अलग तरीकों से 50 हड्डियां तोड़ दे और ये सब करने में इसे 10 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। And to my left is Rick Stutt, Double Cliff Booth. Mr. Lova, Lova. नंबर 4 पर ओ भाई एक ट्रू सिग्मा मेल वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का ये कैरेक्टर क्लिफ बूथ। इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले ब्रैड पिट मेरे फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में हैं। खैर कैरेक्टर की बात करें तो इसकी यूनिकनेस का आइडिया आप यहीं से लगा लो कि एक सिग्मा में आप जितनी भी क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हो वो सब की सब इसमें कूट कूट कर भरी हुई हैं। अपने काम से काम रखना, किसी दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाना और किसी दूसरे को अपने मामले में टांग ना अड़ाने देना, किसी को छेड़ना नहीं और अगर कोई आपको छेड़े तो उसे छोड़ना नहीं, ये सब क्वालिटीज इस बंदे में है। नंबर 3 पर भाई साहब एक रॉयल और डेडलीस्ट सिग्मा मेल वाह जॉन विक। ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार करते हुए अगर बड़े से बड़ा सीरियल किलर भी जॉन विक के सामने खड़ा हो जाए तो भी उसकी गोली से बच नहीं सकता। इस कैरेक्टर के डेडलीस्ट होने का अंदाजा आप यहीं से लगा लो कि हाई टेबल सबसे बड़ी माफिया गैदरिंग है और ये बंदा उसकी लेने के चक्रों में है। सिग्मा क्वालिटी किसी को चीट नहीं करना और कोई आपको चीट करे तो उसे छोड़ना नहीं और विंस्टन से यही हुआ है, अब उसकी मौत तय है। You do not talk about Fight Club.
नंबर वन पर भाई साहब ये क्या देख लिया, एक अजीब और गरीब कैरेक्टर है नंबर वन पर फाइट क्लब से टायलर डर्डेन। मतलब कमाल ही कर दिया ब्रैड पिट ने, मुझे इस एक लिस्ट में इस बंदे की दो अलग अलग कैरेक्टर्स पर बेस्ड दो अलग अलग मूवीज ऐड करनी पड़ी हैं। कैरेक्टर की बात करें तो लगभग इम्पॉसिबल है कि आप इस कैरेक्टर को पूरी तरह समझ जाओ। साइको डेडलीस्ट हार्डेस्ट और ना जाने कितना अजीब कैरेक्टर है ये। और इस कैरेक्टर के बारे में सबसे अजीब और माइंड को सुन कर देने वाली बात तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। इस तरह के मजीद कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।